आज भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यालय पर कैंट विधानसभा की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष अरुण कश्यप ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष गंगवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद तथा संजीव अग्रवाल, कैंट विधायक, प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके पश्चात कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कार्यशाला में अपने संबोधन में कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के उद्देश्य को लेकर भाजपा ने आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का गठन करना है, जिनमें 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरल ऐप के माध्यम से हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना अति आवश्यक है और बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आगामी कार्यक्रम की योजना को बूथ स्तर तक पहुँचाने पर जोर दिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं की संख्या को देख कर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि मैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए विधायक के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में रहना पसंद करता हूं। कैंट विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक है। कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से हमने त्रिपुरा और मेघालय में भी भगवा का परचम लहराया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराना है और पुनः नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री प्रभुदयाल लोधी ने किया। कार्यशाला में डॉक्टर CPS चौहान, राज बहादुर सक्सेना, शिव कुमार महेश्वरी, देवेंद्र जोशी, सोनू कालरा, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, अजय प्रताप सिंह, शीतल गुलाटी, अमरीश कठेरिया, एडवोकेट सूर्यकांत मौर्य, रूपेंद्र पटेल, विष्णु शर्मा, JPS पाल, मंडल अध्यक्ष कन्हैया राजपूत, नरेंद्र मौर्य, मोहित तिवारी, राम बहादुर मौर्य, शक्ति केंद्र संयोजक प्रदीप रोहिल्ला, शिशुपाल कठेरिया, ब्रजेश मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, छंगमल मौर्य, राजकिशोर कश्यप, विनोद सैनी, शंकर लाल IT संयोजक, विशाल गुप्ता, सोशल मीडिया संयोजक पुष्पेंद्र शुक्ला और मंडल विस्तारक मंडल की टीम उपस्थित रही। हम फिर एक सप्ताह के साथ आप सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठेंगे और ये पता करेंगे कि हम वोटों की स्थिति को कैसे और आगे बढ़ाने का काम करें। कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति लोगों के हम लोगों के साथ है, लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ है कि हम राष्ट्र के लिए पूरे समर्पण से और सेवा के साथ काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सर्वोत्तम नेता के रूप में स्वीकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ती जा रही है और पूरे देश में अपना परचम लहराकर हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरे करने की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। साउथ में भी हम कई प्रदेशों में हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं थे, वहां भी हो गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी भारतीयों की पार्टी मानी जाती थी। नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम सब जानते हैं। ये मैं विशेष भी कह रहा हूं कि वहां पर अन्य पंथ धर्म और समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत रहती है, तो लोगों को भ्रम था कि कुछ लोग हमारे साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन इस चुनाव में पुनः हमारी सरकारें बनाओ जीती, चुनाव हम जीते, हमारी सरकारें बन रही हैं, इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश एक साथ मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। 36 सालों में नहीं, 186 साल पुराना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि अगर ऐश पर नाम वहां पर जगह होगी तो मैं आपके प्रयास को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि केंद्र सरकार उसको स्वीकृति देगी। मैं माननीय सांसद और संतोष जी भाई साहब से के साथ इस विषय में पहले जगह और एक प्रस्ताव प्रदेश सरकार को हम भेज देते हैं, फिर हम लोग केंद्र में इसके लिए प्रयास करके, मुझे उम्मीद है हम भाई साहब के साथ इस
कार्य को भी पूरा कराने में सफल हुई। बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश में BHU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद, 6 केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अपने आप में उसका एक महत्व होता है। ये अगर बरेली कॉलेज केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है आप सबके सहयोग से, भाई साहब के आशीर्वाद से, तो ये बरेली और बरेली मंडल के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो छात्र पढ़ के निकलता है उसका सम्मान बिल्कुल अलग तरीके से होता है, ये हम सब समझते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आपका विश्वास और साथ हमेशा मुझे चाहिए होगा और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हर समय आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। लगभग 1 वर्ष होने आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किए हैं कि मैं आपके बीच में हर समय रहूं, आपके साथ खड़ा नजर आऊं और आपने जिस भावना से, जिस विश्वास से मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, कहीं पर भी मेरे संगठन के मेरे कार्यकर्ताओं को उस विश्वास में कमी नजर ना आए, तो इस बात के साथ कि आपका प्रेम और इसलिए मुझे मिलता रहेगा और ये संगठन के जो कार्य हैं वो कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता हम सब मिलके इसको पूरा करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।